सदर सांसद रवि किशन ने रविवार को ललित नारायण मिश्र रेलवे अस्पताल में नव स्थापित ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया, जिसके संबंध में सदर सांसद रवि किशन ने बताया कि इस ऑक्सीजन प्लांट से एक मिनट में 500 लीटर ऑक्सीजन बनेगा, जिससे रेलवे अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों को सहायता होगी। उन्होंने कहा यह ऑक्सीजन प्लांट कोविड की संभावित तीसरी लहर में बहुत कारगर साबित होगी और कोरोना को मात दी जाएगी। उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी सहित रेलवे अस्पताल के चिकित्सक और अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन तथा पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी ने कहा, समस्त भारत को यहाँ से बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ 75 साल के। और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो भाषण पूरे देश ने सुना, उससे एक अलग ही ऊर्जा का संचार हुआ। जैसे उनके सानिध्य में हम लोग काम करते हैं, हमेशा हर मंगलवार को सदन के दौरान हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया जाता है। प्रधानमंत्री जी स्वयं एक डेढ़ घंटा हम लोगों को बताते हैं कि किस तरह से देश के प्रति आप लोगों को एक समर्पित भाव में रहना चाहिए। तो 2019 में जैसे हम जीते थे, तो मैं यहाँ आया था और 2019 में आते ही मैंने पहली चिट्ठी, हमारे साथ महाप्रबंधक जी भी हैं, त्रिपाठी जी भी हैं, मैंने चिट्ठी लिखी थी एक मेडिकल कॉलेज के लिए वहाँ पे और एक रेलवे के लिए। तो पीयूष गोयल जी उस वक्त रेलवे मंत्री थे, तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज जो उनके वो अप्रूवल से आज हम लोगों को गोरखपुर के इस जनपद को इतना बड़ा प्लांट मिला, जहाँ पर एक मिनट में 500 लीटर ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पर उत्पादन हो सकता है, जिससे कि एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी सहायता होगी। अगर जो संभावित तीसरी लहर जो आ रही है, तो मैं समस्त गोरखपुर जनपद अगल बगल और मैं कह दूं कि पूरे पूर्वांचल में, पूरे ईस्टर्न यूपी में ये सबसे बड़ा प्लांट लगा है, जहां पर एक मिनट में 500 लीटर ऑक्सीजन
का उत्पादन होगा। तो आप सब लोगों को पूज्य महाराज जी की तरफ से, समस्त केंद्र सरकार की तरफ से, रेल की तरफ से, रेल मंत्रालय की तरफ से ये तोहफा है 15 अगस्त के दिन। और महादेव करें ऐसा मौका ना आए, लेकिन आज हम लोग इस तरह से इतना बड़ा प्लांट आप लोग देख रहे हैं, हम लोग सक्षम हैं हर तरीके की। अगर कोई भी अब तीसरी लहर जो संभावित है अगर आती है तो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एंड मैं समस्त रेल को और मैं यहाँ पर हमारे साथ त्रिपाठी जी, खास मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में एंड वेरी वेल ही प्लांटेड एवरीथिंग। और मैं खुश हूँ और मैं चाहूँगा कि दो शब्द आप ज़रूर आप भी बोलें। माननीय MP जी ने ऑलरेडी इस प्लांट के विषय में आपको बताया है और ये प्लांट नेचुरल है। पिछली बार जब सेकंड लहर आई थी तब हम लोगों को ऑक्सीजन मॉनिटर करने के लिए, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी प्रदान करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी, पर स्टेट गवर्नमेंट की सहायता से हम उस समय भी मैनेज कर पाए थे। पर इस 500 लीटर पर मिनट के प्लांट से हम करीब करीब मैक्सिमम, जब बहुत ज़्यादा जो बहुत सीरियस पेशेंट होते हैं उनको, वो करीब 150 पेशेंट हम हैंडल कर सकेंगे। तो बहुत अच्छी सुविधा ये जनरेट हो गई है गोरखपुर के लिए, गोरखपुर के सारे लोगों के लिए और इस एरिया में रहने वाले लोगों के लिए। मैं आप सबको बधाई देता हूँ कि आप सबके सहयोग से ये सब संभव हो सका है।